मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन और खुद की दावेदारी को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 2020 तक उनका राज्यसभा सांसद के रूप में कार्यकाल है, लेकिन फिर भी अगर पार्टी चाहती तो वो लोकसभा में जाएं तो वो जरूर जाएंगे। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता राजगढ़ सीट है, जिसके वो वोटर भी हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जहां से लड़वाएंगे वहीं से लड़ेंगे। वहीं उन्होंने सीएम कमलनाथ द्वारा भोपाल लोकसभा सीट से उनका नाम घोषित करने की जानकारी ना होने की भी बात कही। पहली प्रेफरेंस तो राजगढ़ पार्लियामेंट सीट है, जहाँ से मैं रहा हूँ और जहाँ मैं वोटर भी हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने मेरे पार्टी अध्यक्ष और हमारे जो माननीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हैं श्री कमलनाथ जी, उनसे कहा है कि जहाँ पार्टी लड़ना चाहती मैं लड़ने तैयार हूँ।